हेलो दोस्त, कैसे हो आप? इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज में उसकी प्रजा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन राजा दिव्यांग था। राजा का बचपन से ही एक आँख नहीं था और एक पैर नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नज़र अपने महल की एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसके पूर्वजों की पेंटिंग बनी हुई थी। उसके पिताजी, दादाजी, परदादा सारे बहुत सूरवीर थे, साहसी थे और शरीर से बलवान थे। जब भी वो उनकी तस्वीर को देखता, उसे गर्व महसूस होता, उसे साहस मिलता। थोड़ी देर बाद राजा की नज़र खाली दीवार पर पड़ती है और राजा सोचने लगता है कि इन सूरवीरों के बीच में मेरी तस्वीर कैसी लगेगी? मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो काना हूँ, मेरी तस्वीर यहाँ बहुत ही भद्दी लगेगी। यह सब सोचकर राजा चिंतित हो जाता है और अगले ही दिन राज में ये ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी राजा का सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाएगा उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा। और राज्य के सभी चित्रकारों को राजमहल बुला लिया जाता है। पर सभी चित्रकार ये जानते थे कि अगर उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग राजा को पसंद नहीं आई तो राजा उन्हें सजा देंगे। इसलिए जो बड़े चित्रकार थे सारे पीछे हट जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा आगे आता है और कहता है कि मैं राजा साहब का पेंटिंग बनाऊंगा, पर मुझे 24 घंटे का समय चाहिए। अगले दिन उस पेंटिंग को देखने के लिए लोग दूर दूर से राजमहल में आते हैं और उस पेंटिंग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब वो लड़का उस तस्वीर को लोगों को दिखाता है तो लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, कुछ लोग तो सीटी भी मारने लगते हैं। और फिर जब राजा उस तस्वीर को देखता है तो राजा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि इस तरह का पेंटिंग मेरे पूरे महल में नहीं है। दोस्त, तस्वीर कैसी थी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार किया था और एक साइड से उसका सिर्फ एक ही पैर दिख रहा था। राजा घोड़े पर सवार होकर धनुष से निशाना बना रहा था और निशाना बनाते समय उसका एक आँख बंद था और ये वही आँख था जो आँख उसका बचपन से नहीं था। हमें ये कहानी सिखाती है कि हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। चाहे हमारे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें उसका सामना पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए। दोस्त, इस कहानी में उस लड़के के सामने भी चुनौती था, संकट था, लेकिन वो लड़का पॉजिटिव थिंकिंग का साथ नहीं छोड़ता है और इस प्रॉब्लम को, इस संकट को भी वो मौका में बदल देता है। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, यदि आप पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो यकीन मानिए दोस्त, आप प्रॉब्लम से बहुत ईजिली बाहर निकल जाएंगे। और अंत में दोस्त, ज़िंदगी में कभी उम्मीद का साथ मत छोड़ना। दोस्त, जो उम्मीद के साथ छोड़ते हैं ज़िंदगी भी उनका साथ छोड़ देती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्त पसंद आई है तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई, ये कहानी उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचना चाहिए जिन्हें इस कहानी की ज़रूरत है, जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इसे अपने व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करना ना भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।